इस वक्त की बड़ी खबर मध्य प्रदेश से, जहां कंप्यूटर बाबा के खिलाफ शिवराज सरकार का एक्शन नॉनस्टॉप जारी है। आज इंदौर में कंप्यूटर बाबा के समर्थक रमेश तोमर के कब्जे से सरकारी प्रॉपर्टी को मुक्त कराया गया है। नगर निगम ने इंदौर के इंद्रिश नगर में रमेश तोमर के कब्जे से कई प्रॉपर्टीज को ढहा दिया। रमेश तोमर ने सरकारी जमीन पर कब्जा किया था। इस जमीन पर 3 मोबाइल टावर भी बने थे। रमेश तोमर के खिलाफ कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। इसी रमेश तोमर की गाड़ी से कंप्यूटर बाबा चला करते थे, जिसे 8 नवंबर की कार्रवाई के दौरान प्रशासन ने अपने कब्जे में ले लिया था। तो बड़ा यहां पर एक्शन शिवराज सरकार का देखने को मिला है। तो कंप्यूटर बाबा की मुश्किलें बढ़ गई हैं। कंप्यूटर बाबा की 125 करोड़ की प्रॉपर्टी पर बुलडोजर चला है। इससे पहले कंप्यूटर बाबा के खिलाफ इंदौर प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की थी। 8 नवंबर को प्रशासन ने बुलडोजर चलवाकर कंप्यूटर बाबा के कब्जे से गौशाला की जमीन को खाली कराया था। 46 एकड़ जमीन पर कंप्यूटर बाबा ने कब्जा कर रखा था और 2 एकड़ के एरिया में एक आलीशान आश्रम बनाया था। 8 नवंबर को की गई कार्रवाई में प्रशासन को आश्रम के अंदर लग्जरी सामान और कई अवैध हथियार भी मिले थे। प्रशासन की इस कार्रवाई के दौरान बाधा पहुंचाने के आरोप में कंप्यूटर बाबा को गिरफ्तार भी किया गया था। इसी बीच उनको जमानत मिलती फौरन ही अवैध हथियार को लेकर 1 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया। और इसी दौरान कंप्यूटर बाबा के खिलाफ एक और केस दर्ज हो गया, जिसमें उनके ऊपर एक व्यक्ति पर तलवार से हमले का आरोप लगा है। आज शाम 4 बजे कंप्यूटर बाबा को कोर्ट में पेश किया जाएगा। इंदौर में कंप्यूटर बाबा के काले साम्राज्य पर सरकार का शिकंजा कसा जा रहा है। हमारे संवाददाता अनुराग अमिताभ की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। नाम कंप्यूटर बाबा, काम धर्म के नाम पर दल बदल की राजनीति करना, नतीजा कंप्यूटर बाबा के राजनैतिक और अवैध कब्जे के हार्डवेयर में प्रशासन के बुलडोजर का ऐसा वायरस घुसा कि बाबा का ये पूरा साम्राज्य, जिस वक्त मैं यहाँ खड़ा हूँ उसे आप देख सकते हैं, पूरी तरीके से प्रशासन द्वारा ध्वस्त कर दिया गया। मैं हूँ इस वक्त गोमटगिरी स्थित उस आश्रम में, जहाँ पर बाबा का अवैध कब्जे का जो है वो पूरा साम्राज्य बसा हुआ था। ये देख सकते हैं, ये पहाड़ी पर स्थित गोमटगिरी आश्रम है, जबूरी हबशी ग्राम लगता है ये, जिसकी तकरीबन 46 एकड़ जो भूमि थी जो गौशाला के लिए दी गई थी ग्राम पंचायत द्वारा, उस पर कंप्यूटर बाबा ने तकरीबन 3 एकड़ पर कब्जा कर लिया था, जिसे प्रशासन ने पूरी तरीके से नेस्तानाबूद कर दिया है। तस्वीरें साफ बताती हैं कि बाबा का साम्राज्य दरअसल कितना बड़ा था। तकरीबन 80 से 100 करोड़ की ये जगह होती है। पहले गोमटगिरी जो प्रसिद्ध जैन मंदिर इलाका है उसके पास थी, लेकिन बाबा का जो अवैध कब्जा है वो इस पर धीरे धीरे इस तरीके से होता गया कि यहाँ की 3 एकड़ जमीन, बेहद कीमती जमीन हो जाती है, उस पर पूरी तरीके से कब्जा कर लिया गया। 10 यहाँ पर बड़े बड़े जो कमरे बनाए गए थे, साथ ही विलासिता का तमाम सामान, जिस तरीके की बात बताई जा रही प्रशासन के द्वारा, और तस्वीरें भी दिखा रही हैं। यह आप देख सकते हैं, एक सन्यासी बाबा, वो उसके यहाँ पे जो ढाया गया है पूरा आश्रम, ये गीजर लगा हुआ है, तमाम तरीके के कमोड से लेकर विलासिता के तमाम सामान जो हैं वो यहाँ से पुलिस ने ध्वस्त किए। जो प्रशासन आया 315 की राइफल के साथ, तमाम और भी हथियार, एयरगन्स मिले। दरअसल लोकतंत्र बचाओ यात्रा, यहाँ से जो है इस तरीके के ये जो पोस्टर्स यहाँ दिखाई दे रहे हैं, ये लोकतंत्र बचाओ यात्रा 28 जिलों में विधानसभा उपचुनाव के दौरान बाबा ने शिवराज सिंह चौहान सरकार के खिलाफ निकाली थी, और कमलनाथ के समर्थन में बाबा दल बदल की राजनीति के सबसे बड़े खिलाड़ी सन्यासी होने के बावजूद कहे जाते हैं, क्योंकि 2018 तक शिवराज सिंह चौहान की सरकार में राज्य मंत्री प्राप्त मंत्री थे। जैसे ही सरकार बदली, बाबा ने हवा का रुख समझा और कमलनाथ के साथ आ गए, और लोकसभा चुनाव की घोषणा के एन पहले, आचार संहिता लगने के एन पहले नर्मदा नदी न्यास का उन्हें अध्यक्ष बनाया गया, और नर्मदा नदी न्यास का अध्यक्ष बनते ही, कमलनाथ की सरकार में आते ही दिग्विजय सिंह के बड़े समर्थक हो गए, साध्वी प्रज्ञा के खिलाफ प्रचार करने लगे, और तमाम तरीके के जो यज्ञ हैं वो उन्होंने दिग्विजय सिंह के समर्थन में किए। यही वो जगह है, अगर आपको पीछे का मैं हिस्सा दिखा पाऊं तो बाबा की धुनी यही जमती थी। बाबा अपनी धुनी जमाने के लिए बेहद प्रसिद्ध रहे हैं।
जब शिवराज सिंह चौहान सरकार में मंत्री बने तो जिस रेस्ट हाउस में उनको जगह मिली थी उसकी छत पर, तीसरे माले की छत पर भी धुनी रमाते हुए नजर आए थे बाबा। लेकिन बाबा कमलनाथ सरकार का समर्थन करते नजर आए। 28 उपचुनाव जो अभी 3 नवंबर को हुए, 10 तारीख को जिनके नतीजे आए, बाबा ने 28 विधानसभा चुनाव में तमाम साधुओं के साथ जो धर्म की बातें करते हैं वो राजनीति में उतरकर तमाम साधु संतों को लेकर गए और विधानसभा चुनाव के दौरान सरकार का जो है वो विरोध करते नजर आए और इसी अवैध जमीन पर उनको खामियाजा भुगतना पड़ा। और ऐसे तमाम जो जगह हैं वो बाबा के कब्जे में थी, प्रशासन ने तमाम जगहों को ध्वस्त किया है। इस जगह में तकरीबन 80 से 100 करोड़ रुपए की जगह हो जाती है, बेहद कीमती जगह है। 46 एकड़ जमीन के हिस्से पर ये पूरी जमीन थी, जिसमें से 3 एकड़ जमीन पर बाबा का ये कब्जा था। 10 कमरे थे। इसके अलावा जो एयरपोर्ट एक्सटेंशन रोड है वहां पर भी 20,000 स्क्वायर फीट की जमीन का जो कब्जा है वो ढाया गया, उसकी भी कीमत तकरीबन 5 करोड़ रुपए थी। बाबा का जो साम्राज्य यही नहीं रुका, उनके कब्जे में तमाम ऐसी जगहें थी जिन पर प्रशासन ने अपनी नजरें की और उनको कब्जे में वापस ले लिया है। बाबा के तमाम समर्थकों पर भी अब सरकार का बुलडोजर साफ तौर पर चलते नजर आता है। अभी सुबह फिर से प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए उनके जो सबसे बड़े समर्थक थे, जिनकी क्रिस्टा कार, एक बहुत महंगी कार पर जो चलते थे बाबा और तमाम जगह प्रचार करने जाते थे, उनके घर पर भी जो आपराधिक बताए जा रहे हैं, आपराधिक मामले उन पर कई रहे हैं, अवैध कब्जे से लेकर जमीन पे कब्जे को लेकर, प्रशासन ने उनके घर को भी ध्वस्त किया है। और साफ तौर पर बाबा पिछले 8 तारीख से लगातार जेल में है। जब इस आश्रम को जो ढहाने की कार्रवाई पुलिस ने, प्रशासन ने नोटिस दिया था 2 महीने पहले, उन्हें 2,000 रुपए का अर्थदंड भी लगाया था और इसको खाली करने को कहा था, बावजूद उसके कंप्यूटर बाबा ने ये खाली नहीं किया, बल्कि जो पंचायत के जो कर्मचारी जब इस कब्जे को खाली कराने आए तो बाबा ने आपत्तिजनक शब्द उनसे कहे, जाति सूचक शब्द कहे, और जिसके चलते उनके खिलाफ प्रकरण भी कायम हुआ। और इसके अलावा बाबा पर एक आरोप और भी लगा कि एक जगह पर कब्जा करने के लिए वो अपने समर्थकों के साथ मैं हथियार के घुसे, जिसके चलते कल जो जमानत उन्हें मिलनी थी वो नहीं मिली, अब 1 दिन की रिमांड पर हैं। ऐसे में बाबा का जो हार्डवेयर है अब आगे की राजनीति का, वो आज कोर्ट के उस डिसीजन पर पूरा केंद्रित हो जाता है कि क्या उन्हें आज जमानत मिलेगी या नहीं। लेकिन तब तक बाबा के तमाम ऐसे ठिकाने जहां पर उन्होंने विराट धर्म के नाम पर अपना राजनीति का जो साम्राज्य खड़ा कर रखा था, उस पर प्रशासन की निगाहें पूरी तरीके से टिकी हुई हैं। कैमरा पर्सन प्रदीप त्रिवेदी के साथ अनुराग अमिताभ, इंडिया टीवी, इंदौर। तो अनुराग की रिपोर्ट आपने देखी। वहीं आज इंदौर में जिस रमेश तोमर के खिलाफ प्रशासन ने कार्रवाई की है, उसी की कार से कंप्यूटर बाबा घुमा करते थे। रमेश तोमर की कुंडली खंगाली गई तो उसका नाम अपराध की दुनिया में शुमार था। अपराध के पन्नों पर रमेश तोमर के खिलाफ कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। इस कार्रवाई का जो लिंक है वो जब नामदेव दास त्यागी का जो अवैध अतिक्रमण हटाया गया था तो वहाँ इस प्रकार की चीज़ें देखने को मिली कि वहाँ पे एक क्रिस्टा गाड़ी जब्त हुई थी। उस गाड़ी के जब डिटेल निकाले गए तो वो गाड़ी रमेश तोमर के नाम पे दर्ज पाई गई। और जैसा कि नामदेव दास त्यागी भी ज़मीनों के खरीद फरोख्त और अवैध कब्जों में लिप्त पाए गए, इसी प्रकार से ये जो रमेश तोमर है इनके खिलाफ 19 आपराधिक प्रकरण दर्ज हैं। तो जो क्रिमिनल सांठगांठ है वो साफ देखने में आ रही है। और यहाँ पर जब इनकी जांच कराई गई तो इन्होंने कई मकान अवैधानिक रूप से बनाए हैं और दूसरों के मकान पे भी कब्जे किए हुए। इनके खिलाफ आपराधिक षड्यंत्र, 420 वसूली और मारपीट इत्यादि के कई मुकदमे दर्ज हैं। उसके तारतम्य में कलेक्टर महोदय के निर्देशन में जिला प्रशासन के नेतृत्व में पुलिस एवं नगर निगम के साथ ये संयुक्त कार्रवाई को हम लोग अंजाम दे रहे हैं। और जैसा कि ये मुहिम चल रही है, आगामी समय में आपको ये देखने में मिलेगा कि कुछ हम और भी ऐसे जो आपराधिक व्यक्ति हैं जो समाज को जिन्होंने तंग कर रखा है उनके भी हम ठिकाने चिन्हित करेंगे, उनकी परिसंपत्तियां भी देखेंगे। यदि अवैधानिक कब्जे या अवैधानिक निर्माण होंगे तो उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इंदौर में जगह जगह कैसे कंप्यूटर बाबा के खिलाफ एक्शन हो रहा है, इंदौर के कलेक्टर ने हमारे संवाददाता अनुराग अमिताभ से की एक्सक्लूसिव बातचीत, सुनिए।
मध्य प्रदेश सरकार की नजरों में अब भू माफिया साफ तौर पर आ गए हैं और कंप्यूटर बाबा पे सबसे ज्यादा बड़ी कार्रवाई इंदौर में हुई है। हमारे साथ हैं इंदौर कलेक्टर मनीष सिंह जी, उनसे बात करते हैं। सर, भू माफियाओं को छोड़ेगा नहीं इंदौर? हाँ, अभी एक कार्रवाई कंप्यूटर बाबा पे हुई है, उसमें शिकायतें यही थी कि जो एयरपोर्ट एरिया के पास में उन्होंने एक सरकारी जमीन पे गौशाला की जमीन पे कब्जा करके आश्रम बनाया था, उसका उपयोग वहां के जितने भी एयरपोर्ट रोड की जितनी विवादित जमीनों को सुलझाने में, जमीनों को विवादित बनाने में, उसके आसपास के जितने गांव थे वहां पर जितनी जमीनों खरीद फरोख्त जो भी करता था, तो वहां ये बोला जाता था कि आप पहले बाबा से मिल के आओ। इसी प्रकार बाबा के द्वारा कुछ ऐसे एंटी सोशल एलिमेंट्स को जिनके 20-20 अपराध थे, हिस्ट्री शीटर थे थानों में, उनको संरक्षण भी दे रखा था। इसी तरह से एक रमेश तोमर नाम का व्यक्ति है जो हिस्ट्री शीटर है और वो बाबा के साथ हमेशा रहता था, और बाबा जितनी भी गाड़ियों में चलते थे वो रमेश तोमर के नाम से थी। वो तो जब्त भी गाड़ी हुई है बाबा के आश्रम से, उस दिन वो भी रमेश तोमर के नाम से थी, उसके भी 6 कंस्ट्रक्शन हुआ, तोड़ा गया है। ये रमेश तोमर मतलब राइट हैंड अगर कहा जाए तो वो है, उन्हीं की क्रिस्टा में घूमते थे जो पूरे उन्होंने आंदोलन किए इस उपचुनाव के दौरान, उसी गाड़ियों में घूमते थे। अवैध कब्जे के भी कई उसके ऊपर मामले हैं। गोमटगिरी में वर्ष 2000 में जम्बूड़ी हफ्सी पंचायत है वहां पर, उसको 46 एकर्स लैंड अलॉट हुई थी गौशाला बनाने के लिए, तो लैंड अलॉटमेंट पंचायत के नाम से हुआ था, पंचायत को ही गौशाला निर्माण करके उसका संचालन संधारण करना था, और उसके कुछ सालों बाद ही बाबा ने उसमें कब्जा करना शुरू किया। एग्जैक्टली किस प्रकार से किया वो जांच हम लोग कर रहे हैं, और उस पर कब्जा करके और एक आश्रम बना लिया वहाँ पर, पहले पंचायत का सामुदायिक भवन बना हुआ था उस पर भी बाबा ने कब्जा कर लिया, उसको बड़ा आलिशान घर के रूप में डेवलप कर दिया। जो अभी हम लोगों ने अतिक्रमण हटाया था, जो एक आलिशान घर टॉयलेट्स वगैरह सब निकले थे, उसी सामुदायिक भवन में कब्जा करके उन्होंने पूरा बनाया था, और लगभग 80 करोड़ की थी वो, तो काफ़ी बड़े एरिए में, बड़े प्राइम लोकेशन पे, वहाँ एक काली माता का मंदिर भी था, कलौता समाज की देवी जी हैं वो, उसके बगल में आश्रम बनाया हुआ था, तो उसको क्लियर कराया है, उसको पूरा धार्मिक पर्यटन रूप में डेवलप कर रहे हैं, पंचायत से गौशाला का निर्माण शुरू होने वाला है। मैं ये पूछना चाहूँगा सर, उसमें काफ़ी पॉश बाथरूम था बताया जा रहा है, और कुछ हथियार भी मिले थे, मतलब बहुत सारी। हाँ, उसमें जो वहाँ के बाथरूम था एक 5-स्टार या 7-स्टार टाइप का लेवल का था, कमरा भी उनका बहुत पॉश था जी। जिस प्रकार से उनके द्वारा कॉस्मेटिक्स यूज की जा रही थी, अच्छा सर, वो भी बड़ी 5-स्टार टाइप की थी जी। कुछ आपत्तिजनक चीजें भी मिली थी कुछ जी। और बंदूक मिली, तलवार मिली जी। सभी चीजें मिली, पुलिस ने जब्त भी किया है उनको जी। और उसमें पंचायत सचिव पे बंदूक से कुछ उन्होंने धमकाया भी था उस समय सुबह, जो भी घटनाक्रम हुआ होगा जब उस दिन कार्रवाई शुरू हुई थी 8 तारीख को, तो उसमें पुलिस उसकी बंदूक को शायद जब्त कर भी चुकी है और कार्रवाई चल रही है उसमें। सर, ऐसे ही एरोड्रम पे भी उनका काफी अवैध कब्जा था, जो आईडीए की जमीन थी तकरीबन 20,000 स्क्वायर फीट की, सर वो भी करोड़ों की जमीन थी सर, उस पर भी कब्जा था। ये सुपर कॉरिडोर पे 5 करोड़ की जमीन थी जो आईडीए की स्कीम थी, जिसमें फॉरेस्ट का भी, फॉरेस्ट की भी जमीन थी वो, उसमें आईडी की स्कीम डली हुई थी, उस पर कब्जा करके मंदिर बनाते जा रहे थे और अपने जो अनुयायियों को रखते जा रहे थे, उसको भी हम लोगों ने डिमोलिश करके जितने अनुयायी थे उनके, उनको वहां से हटा दिया है। केदार धाम के बाद आज बद्री धाम में योगी की भक्ति, देखिए पूरी खबर एक छोटे से ब्रेक के बाद।